बनाएंगे चीज़ी नगेट कॉर्न पिज़्ज़ा, बहुत ही डिफरेंट सा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम खूब सारा ऑयल डाल देंगे। ये मैंने लिए हैं ITC के चीज़ी कॉर्न ट्राइंगल्स और इनको हम फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से हम इनको शैलो फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और फ्राई होने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे ऑयल से। एक प्लेट में हम इन्हें निकाल के अलग से साइड में रख देंगे। और अब हम बनाते हैं अपना पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने ये रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस लिया है। अब हम पिज़्ज़ा बेस पे लगाएंगे मेयोनेज। एक चम्मच हमने भर के मेयोनेज लेनी है और इसको स्प्रेड कर देना है पूरे पिज़्ज़ा बेस पे। अब हम डालेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और इसको भी हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब हम ऊपर से डालेंगे शेजवान सॉस, इसको भी हम अपने पिज़्ज़ा बेस पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब हम अपने वेजीज डालेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे अनियन, रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम डाली है और मैंने साथ ही साथ टमाटोज डाले हैं इसमें। अब इसमें मैंने डाले हैं पनीर के टुकड़े। अब हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे। अब हम डालेंगे इटालियन सीजनिंग। अब डालेंगे हम चिली फ्लेक्स, साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे ओरेगैनो। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चीजी कॉर्न नगेट्स जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे। लग रहा है ना बिल्कुल फुली लोडेड पिज्जा, बट वेट, अभी हमने इसके अंदर वो चीज नहीं डाली है जिसके बिना पिज्जा हमारा अधूरा होता है, यानी कि चीज। अब हम इसके अंदर डालेंगे भर के चीज। देखो पिज्जा बना रहे हो ना, तो चीज डालने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब हम डालेंगे ऊपर से चिली फ्लेक्स और अब हम डालेंगे ओरेगैनो। चलिए हमारा पिज्जा तो बेक होने के लिए रेडी है, हम अपने माइक्रोवेव को भी रेडी कर लेते हैं। हम अपने माइक्रोवेव को पहले ही प्रीहीट कर लेंगे और 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए अपने पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए रख देंगे। चलो जल्दी जल्दी इसे निकाल लेते हैं माइक्रोवेव से।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, टिल देन बाय।